हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव आज बजट का दिन है बजट के अंदर काफी अनाउंसमेंट्स हुई हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है दैट इज पावर सेक्टर उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं और इससे आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों को कंपनीज को और साथ ही साथ देश को इस पर हमारे साथ आराम से डिटेल में बात करने आए हैं सर्वटेक पावर सिस्टम से एम मिस्टर रमन भाटिया सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आर शो थैंक यू थैंक्स Uh, सर अभी हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने बजट पेश किया काफी सारी अनाउंसमेंट्स की स्पेशली कुछ उम्मीदें ज्यादा इसलिए भी लगाई गई थी क्योंकि इसे विकसित भारत का बजट कहा जा रहा था मोदी 3.0 का बजट कहा जा रहा था अगर हम आपके ही सेक्टर की बात करें पावर एंड एनर्जी तो क्या जितनी अनाउंसमेंट्स हुई आप उससे संतुष्ट हैं है, तो उसका रीजन और नहीं है तो पहले उसका रीजन छोटा सा क्रक्स मेरा सा है कि जो सरकार कर रही है उसने अपनी तरफ से तो काफ़ी अच्छा बजट दिया है लेकिन जो ये बजट था ये मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो एनवायरमेंट को लेके एम्प्लॉयमेंट को लेके और थोड़ा बहुत सोलर को लेके या एनर्जी को लेके कुछ उसके आसपास बनाया गया और प्लस मिडिल क्लास को भी दिमाग में रखते हुए बनाया गया और क्योंकि इंट्रीम बजट पहले भी आ चुका था पहले ही आ चुका था तो बहुत सारी चीज़ उसमें कवर कर दी गई जो यहाँ से गायब नजर आई और भी कुछ चीज़ें हैं तो जहाँ तक बात है खुशी और अच्छे और बुरे की तो सभी लोग हर बार खुश नहीं हो सकते और सभी लोग हर बार दुखी नहीं हो सकते तो कुल मिला के एक सेटल्ड बजट मानता हूँ मुझे लगता है ये ठीक ठाक बजट था सर जैसे कुछ अनाउंसमेंट्स हुई जैसे कि लिथियम के ऊपर इन्होंने जो इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी है वो कम की है उससे आपको क्या लगता है कि आपके सेक्टर को क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और जिसकी वजह से अगर फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए फाइनल आउटपुट जो हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे जैसे गाड़ी हुई बैटरी हुई तो क्या उसकी भी कॉस्ट कम होगी ऑब्वियसली जो इन्होंने दो अच्छी बातें हैं इस बजट में जो मैं देख पाया एक तो सोलर एक दो तो एनर्जी पम्प्ड पॉलिसी लेके आ रही है गवर्नमेंट जो अभी तक मिस थी अगर हम देखें तो सोलर में जो भी सब्सिडी मिलती है किसी को भी वो सब्सिडी मिलती है ग्रिड टाइड इन्वर्टर से यानी कि आप जो पावर जनरेट करेंगे वो आप ग्रिड में फीड कर देंगे अभी एक नई पॉलिसी लाने की कोशिश की जा रही है इसको कहते हैं एनर्जी पम्प्ड पॉलिसी जितनी भी डिस्कॉम्स हैं जितनी भी पावर हम लोगों को देती है हमारे घरों में जो पावर आती है वो हमें एक फ्लैट रेट में मिलती है जैसे हमारे घर में अगर पावर आ रही है वो आठ रुपये यूनिट है या सात रुपये यूनिट है उसका अलग अलग होता है कि सौ यूनिट यूज़ करोगे तो तीन रुपये लगेंगे उसके बाद चार रुपये हो जाएगा फिर पाँच रुपये हो जाएगा मैक्सीम आठ दस रुपये तक जाती है लेकिन डिस्कॉम्स के लिए ऐसा नहीं है डिस्कॉम्स को बहुत बार इसी पावर का प्राइस जस्ट लाइक अ स्टॉक मार्केट पचास पचास रुपये पर यूनिट भी देना पड़ता है फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स अब जब सोलर पम्प पॉलिसी आ जाएगी तो इसमें बहुत सारी राहत मिलेगी डिस्काउंट्स को भी और दूसरों को भी वो ऐसा कि जब आपकी पावर सस्ती है तो वो आ, पावर स्टोरेज की जाएगी उस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में जिसमें लिथियम का बहुत बड़ा रोल होगा और जब जब पावर की शॉर्टेज होगी उस टाइम वो वापस पंप की जाएगी ग्रिड में लाइक रात के टाइम पे या जिस टाइम हमारे को पावर की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है सर्दियों में अगर हम बात करें तो सर्दियों में जिस टाइम हमें गीज़र की ज़रूरत होती है गर्मियों में जब हम बात करते हैं सुबह और शाम को जब हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है और बहुत चीज़ें बदलेंगी तो इसमें जो गवर्नमेंट ने इस बजट में जो दूसरी चीज़ रखी है वो ये कि लिथियम के ऊपर जो ड्यूटी घटाई है उससे इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा दैट इज़ नंबर वन दूसरा जो मैं बात करूँ वो ये कि लिथियम का रोल हर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि गौर मोदी गवर्नमेंट 3.0 की भी अगर हम बात करें तो उनका बहुत बड़ा फोकस है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे भी तो अगर जो ये लिथियम का प्राइस ड्यूटी का कम हुआ है इससे उन गाड़ियों की कीमतों में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आम लोगों की पहुंच में आएगी गाड़िया और चीजें बहुत आसान होंगी ईवी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और ये हाथ जैसे फोर व्हीलर की बात हो रही है तो ये साथ साथ टू व्हीलर के लिए भी सिमिलर मैनर में ही सभी की बात कर रहे हैं तो एक आम आदमी के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा उसको बहुत फर्क पड़ने वाला है

मतलब उस पर आपका क्या कहना है हाउ डज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द कॉमन पर्सन एंड अ कंपनी लाइक योर्स दोनों तरफ इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि uh, जो इंसान uh, कोई भी अगर इसको खरीदने हुँ. की पहले सोचता था तो उसको ये इस सोचना पड़ता था कि मैं अगर ये खरीदूंगा हुँ. तो मुझे uh, कैसे होगा मैं कैसे हुँ. इसको यूज़ करूंगा इसकी कॉस्ट कैसे कितने टाइम में uh, वापस आएगी हुँ. इन सब बातों को देखते हुए बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते थे लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये पॉल, पॉलिसी लाई इसके साथ साथ इसको एक इकोसिस्टम एक बिल्ड किया अब कोई भी ऑनलाइन जाके बड़ी इजीली अपने आप को रजिस्टर कर सकता है इसमें दो तरह की सब्सिडीज हैं एक वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है एक वो है जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग सब्सिडीज हैं दोनों मिला के जो सब्सिडी है वो फोर्टी परसेंट से लेके सिक्सटी सेवेंटी परसेंट तक सब्सिडी मिल जाती है एक आम अच्छा, आदमी को तो इसका मतलब ये है कि अगर वो एक लाख रुपए का कोई सिस्टम है और उसको साठ सत्तर परसेंट तक भी अगर सब्सिडी मिल जाती है तो टेक्निकली वो तीस चालीस हज़ार रुपए में उसके घर में एक सिस्टम लग जाता है तो आमतौर पर चार किलो वाट पाँच किलो वाट के लोग सिस्टम लगवाते हैं तो जो पहले कभी चार पाँच लाख रुपये लगा करता था वो सब्सिडी वगैरह हटा के डेढ़ दो लाख रुपये में वो इंस्टॉल कर सकता है जो कि पच्चीस साल उसकी मिनिमम लाइफ मानी जाती है और

आ, पुराना तालु जो आपने देखा होगा कि इधर बट्टे लगते थे कि तरफ हम कुछ चीज़ें के तोल लेते थे तो इसको बड़ा उन्होंने संतुलन करने की कोशिश की है कि दोनों तरफ कहीं भी बाहर ज़्यादा ना पड़े जस्ट लाइक फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइमर जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा उसको पंद्रह हज़ार रुपए तक का शायद फर्स्ट टाइम एक बेनिफिट देने की कोशिश की है और दूसरा जॉब क्रिएशन पे काफ़ी जब एम्प्लॉय को सपोर्ट किया जा रहा है तो वहीं एम्प्लॉयर को भी सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज आई है जिससे कि बैलेंस बना रहे ऐसा बना ना रहे। फील हो कि सारी चीजें उठा के एम्प्लॉयर में डाल दिए कि एम्प्लॉयर भुगतेगा और एम्प्लॉय को देगा ये काम नहीं किया है इस ये मैं इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये काफी एक

जब हम इसको और पड़ेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी सर एक जगह है पीर पैंती वहां पर भी एक उन्होंने आ, बड़ा पावर स्टेशन बनाने की बात करी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस ये तो आ, हम सब जानते थे कि इस बार बिहार और आंध्रा के ऊपर काफी सारा काम किया जाएगा तो ये एक अच्छा काम किया है जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहाँ चौबीस मेगावाट का एक प्लांट लगाने की घोषणा की गई है पेर एक जगह है किस तरह का प्लांट ये सोलर पावर प्लांट है और इससे बिहार रिन्यूबल एनर्जी में काफी आगे आ जाएगा अगर ये होता है तो इससे वहां पर जॉब क्रिएशन भी होंगी होंगी वो तो ग्राउंड लेवल पर होंगी यस जॉब क्रिएशन भी होगी बहुत सारी इंडस्ट्री भी लगेगी बहुत सारी चीजें वहाँ लोकलाइज होंगी तो काफी फर्क पड़ने वाला है इस बात का सर एक चीज मुझे लगता है कि सबको उम्मीद थी कि शायद फेम थ्री जो पॉलिसी है जो ईवी के लिए होती है वो अभी अनाउंस नहीं की गई तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले कुछ समय में कुछ महीने में बिकॉज़ बड़ी पॉलिसीज तो कभी भी अनाउंस हो जाती है सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना भी बीच में अनाउंस हुई थी तो क्या होती दिख रही है आपको इस साल बिल्कुल होगी क्योंकि आ, क्या है कि आ, फेम 3 पॉलिसी जब हम बात कर रहे हैं हुँ, हुँ. तो हमें समझना पड़ेगा कि पहले फेम 1 थी फिर फेम 2 थी फिर फेम 3 थी कोई भी जब पॉलिसी को एक नंबर दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो नई पॉलिसी आएगी वो पहली पॉलिसी का एक सुधरा हुआ रूप होगा बिल्कुण, बिल्कुण। तो जब हम सुधरे हुए रूप की बात करते हैं तो बहुत सारा काम करना पड़ता है उसके जितने भी नेगेटिव साइड थी उसको इंप्रूव किया जाता है तो इसका मतलब एक इंप्रूवमेंट साइकिल को ऑन किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म पे काम किया जाता है प्लस उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं तो ये थोड़ा सा टाइम तो लेती हैं तो, तो, तो बजट है। का अपना एक टाइमलाइंस है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो आ, साइमल्टेनियसली जो ये करना है इसके लिए बजट नहीं रुक सकता था तो वो अपनी जगह आती रहेगी उसमें कोई ज़्यादा नहीं लगता मुझे वो प्रॉब्लम और वो आनी भी चाहिए और आएगी भी ऐसा मेरा मानना है चलिए सर आप बजट से थोड़ी बाहर की बात करते हैं कि आपकी एक, एक ऐसी कंपनी है जो ईवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है साथ ही साथ सोलर पे भी काफ़ी डीपली काम कर रही है रही। आ, आप ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं आप ईवी वी चार्जर्स बना रहे हैं सोलर इन्वर्टर सोलर एनर्जी स्टोरेज जब हमने मुझे याद है पिछली बार हमने बात की थी तब आपने कहा था कि कुछ कंपनी से हमारे टाइप होंगे और कुछ स्टेट्स में नए हम चार्जिंग स्टेशन लगाने शुरू करेंगे तो वो अब कहाँ तक बढ़ गया है प्लान Uh, मैं अगर ऐसा बात करूं तो शायद हिंदुस्तान की कोई ऐसी स्टेट नहीं है मोर मोर देन 80 90 परसेंट अगर स्टेट्स हम कहें तो हमने कवर की है हम... कितने चार्जिंग स्टेशंस बन चुके हैं ऑपरेशनल है uh, अगर हम चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो हम चार्जिंग स्टेशंस एज अ सर्वोटेक नहीं बनाता है हाँ। हम लोग ओएम हैं उन लोगों के लिए जो चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं तो इसके अंदर आज अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में मेजरली uh, चार पांच ही कंपनियां हैं जो चार्जिंग स्टेशन बना रही है जैसे? Uh, जो गवर्नमेंट या पीएसयू की बात करता हूं जिसमें एक टाटा है और इसके अलावा मार्केटिंग कंपनीज हैं

शायद ही कोई ऐसा मैनुफैक्चर होगा जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें मैच करती होगी एज ऑन डेट हमारे पास हाइएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी है आज की डेट में लगभग हम 800 से 1000 चार्जर पर मंथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फॉर अ है डीसी फास्ट चार्जर एसी फास्ट चार्ज एसी चार्जर्स की बात नहीं कर रहा हूँ या डीसी फास्ट चार्जर्स की बात कर रहा हूँ दोनों में फर्क क्या है डीसी फास्ट चार्जर्स आपके चार्जिंग स्टेशन पे लगते हैं जो बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन बनते हैं इससे गाड़ी आपकी दस पंद्रह मिनट में चार्ज हो जाती है ऑब्वियसली ये महंगे होते हैं नो डाउट ये एवरेजली अगर हम बात करें तो दस से पंद्रह लाख रुपये का एक चार्जर होता है तो ये चार्जर हम लोग बना रहे हैं और हमारी नई फैक्ट्री भी लगभग शुरू हो चुकी है नया प्लांट भी कहां पर आ, ये है आ, कुंडली के पास एक जगह है सोनीपत में, में साफियाबाद वहाँ हमारा दूसरा प्लांट चालू हो गया है इसके अलावा हिंदुस्तान में आने वाले सालों में जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर द गवर्नमेंट पॉलिसी जिसको हम पीएमपी कहते हैं फेस मैन प्रोग्राम फॉर मैनुफैक्चरिंग फेस मैनुफैक्चरिंग प्रोग्राम इसके अंडर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो ये चार्जर्स हैं वो आपको सब कुछ मेक इन इंडिया करना है यू कांट इंपोर्ट तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं जो बड़े मेजर होते हैं हुँ. एक को हम कहते हैं ब्रेन एक को हम कहते हैं हार्ट हुँ. ब्रेन वो है जो पूरे चार्जर के अंदर सभी डिसीजन लेगा कम्युनिकेट उसको आईओटी कैसे करना है हुँ. उसको किस तरीके से वेब से कॉन्टेक्ट करना है कैसे उसको ऐप के थ्रू चार्जिंग करानी है कैसे कस्टमर से बात करनी है वो दिस इज ऑल द ब्रेन टोटल लाइक अ मोबाइल फ़ोन और लाइक अ कंप्यूटर दूसरा पार्ट होता है हार्ट हार्ट का, का काम होता है ब्लड को पंप करना इसी तरीके से चार्जर के अंदर एक हार्ट होता है जिसका काम होता है पावर को पंप करना आपकी गाड़ी में आपकी बैटरी में तो अगर हम देखें तो इनकी एक ये दोनों चीज़ें अभी इंडिया में नहीं बनती लेकिन हमें कहती हुई खुशी हो रही है कि जो आ, ब्रेन है वो हम इंडिया में बनाते हैं आ, और इसके अलावा शायद ही एक दो कंपनियाँ होंगी जो बनाती होंगी और जो हार्ट है वो भी हम दिसंबर से पहले पहले फुल्ली इंडिया में कर देंगे और ऐसा हमारा मानना है जो प्रोजेक्शन हैं वो ये कहती हैं कि लगभग छः लाख पीस एक साल में एवरेज कंजम्पशन रहेगी अगले सात आठ सालों में हिंदुस्तान की पर ईयर पर एनम और हम दो लाख चालीस हज़ार पीस पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंस्टॉल करने जा रहे हैं इन uh, सोनीपत और यहाँ पर हम लोग ढाई लाख यानी कि दो ,00 लाख चालीस हज़ार दिस हार्ट We we will will manufacture in India and we will supply to क्चर इन इंडिया एंड वी विल सप्लाई टू ऑल to become a make in India and they build a product make in India. बिल्ड hmm. that is our इन इंडिया आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग में कोई इंसेंटिव मिल रहा हो कुछ इसको मैं एक दूसरे तरीके से कहूँगा सरकार से कोई सीधी सहायता तो नहीं है hmm. लेकिन क्या होता है कि जब सारी चीजें फेवरेबल चल रही होती है तो तो आपस में होती जो क्रिएट हो रहा है वो इको सिस्टम ठीक सी एक वाइफ दे रहा है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हम तरक्की कर पा रहे हैं प्लस कल्चर बदल रहा एक कल्चर है कल्चर ईवी तो को लेके जो लोगों के मन में मिथ्स थे वो दूर हो रहे हैं लोग इजिली ईवी पे जो सारी चीजें ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सपोर्ट है कोई डायरेक्टली सपोर्ट नहीं है लेकिन ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी है सर अब सोलर की बात करते हैं सोलर में भी आपका काफ़ी डीपली आप एनिट्रेटेड हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग है सोलर की इन्वर्टर्स की या फिर सोलर पावर स्टोरेज की उस पर आपके आगे क्या प्लान है सोलर में अभी जो गवर्नमेंट की ए, आ, स्कीम है मुफ्त आ, हर घर मुफ्त बिजली योजना की इसमें आप लोग कोई भी अगर सोलर प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो उसको जाके गवर्नमेंट की साइट पे एनरोल करना पड़ता है और हम उन सभी साइट्स पे हिंदुस्तान की सात में जुड़े स्टेटे सेवन स्टेट्स में हम लोग ऑलरेडी एनरोल्ड है तो ये, ये तो जो ये योजना है ये सोलर पैनल लगाने के लिए सोलर सिस्टम लगाने के लिए सोलर सिस्टम का मतलब इसमें पैनल भी होता है इसमें इन्वर्टर भी होता है अच्छा कम्पलीट सिस्टम आपके घर में सिर्फ अच्छा। सोलर पैनल ही सोलर पैनल एक पार्ट है पूरे सोलर रूफटॉप का वो एक रॉ मेटेरियल है समझ के। जिसने लेना है उसको तो पूरा सिस्टम चाहिए ना कि उसको पावर जनरेट करनी है अब ये हम इसमें एनरोल्ड हैं और हम पूरे सिस्टम्स लगाते हैं गवर्नमेंट के लिए, और लिए भी और प्राइवेटली भी दैट इज नंबर वन इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पैनल खुद के हैं जो हम ओ कराते हैं वी आर नॉट अ मैन्युफेक्चर फॉर अ पैनल बट जो सोलर इन्वर्टर है जो इन्वर्टर्स हैं वो चाहे हाईब्रिड हैं ऑफ ग्रिड हैं या ऑन ग्रिड हैं वो हम लोग बनाते हैं इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज में जो लिथियम बैटरी है वो भी हम बनाते हैं और अब तो उस पर कस्टम ड्यूटी भी कम हो गई जी 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 तो एनर्जी स्टोरेज में हम काफी काम कर रहे हैं हमें कहते हो बड़ी खुशी होती है आ, और वो ये है कि हमने अभी दिल्ली में ही हौज खास में हौज खास विलेज में एक सिस्टम इंस्टॉल किया है जो शायद दिल्ली का पहला सिस्टम है जो ईवी चार्जर सोलर से भी चल रहा है बिजली से भी चल रहा है और साथ में एनर्जी स्टोरेज से भी चल रहा है बहुत अच्छी ये सिस्टम कैसे काम करता है इसके लिए कोई हमारे यूट्यूब पर जाके उसकी वीडियो देख सकता है इसकी हमने ग्राफिकल वीडियो भी बनाई है जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा है इससे मेरा ये कहना है कि एक अपने आप में एक हाइब्रिड मॉडल है आ, जब आपके यहाँ पर पावर आ रही है बिजली आ रही है तो ये बिजली से आपकी गाड़ी चार्ज करेगा और जब सोलर आ रहा है तो ये सोलर को प्रायोरिटी देगा उससे गाड़ी चार्ज करेगा और अगर गाड़ी चार्ज नहीं हो रहा है तो बैटरी चार्ज करेगा और जब बैटरी चार्ज है और पावर भी अवेलेबल है और गाड़ी आ गई रात हो गई है तो ये बैटरी से पहले चार्ज करेगा बैटरी से पहले गाड़ी को चार्ज करेगा दैट इज़ अ हाइब्रिड मॉडल तो ये पहला सिस्टम हमने लगाया है जिसका आ, अभी उद्घाटन जर्मन एम्बेसडर ने किया है इसकी फोटोग्राफ भी अवेलेबल है ऑनलाइन एंड अभी न्यूज़ ने भी काफ़ी प्रेस ने भी काफ़ी इसको कवर किया था ये पहला सिस्टम है और इससे बहुत सारे सिस्टम्स आगे और लगेंगे इट इज़ जस्ट अ पॉयलट प्रोजेक्ट तो फिलहाल मतलब आप आने वाले समय में पैन नहीं मतलब की बातें कर रहे हैं अच्छा इंडियन सब पीछे, भी अब पीछे हम क्योंकि हमने देखा है की जो मैंने हार्ट की बात की और जो मैंने ब्रेन की बात की तो मजे की बात यह है कि हार्ट के अंदर जब हम देखते हैं तो इंटरनेशनली नाइनटी जो कब्जा है वो चाइनीज मार्केट का चाइनीज मैन्यूफैक्चर्स hmm. का है तो वहाँ एक बहुत बड़ा गैप है आज आ, इंडिया से बाहर भी लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाईकाट कर रहे हैं दे आर इंटरेस्टेड टू बाय फ्रॉम इंडिया एंड हम एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं और उसके लिए काम चल रहा है और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम और कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी सर तो सुन के बहुत ही अच्छा और एक्साइटिंग लग रहा है देश के लिए भी दुनिया के लिए भी क्लाइमेट के लिए भी और साथ साथ जो अपनी इंडियन जो यूथ है अपनी जितनी इंडियन पॉपुलेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स हुई स्पेशली सेक्टर में और आपने इन्हें आके इलेबोरेट किया हम उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे यू थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार हम फिर मिलें तब तक आपकी भी और प्लान्स आपके हो चुके हों पूरे और तब तक शायद सरकार भी और कई नई चीजें अनाउंस कर चुकी डेफिनेटली थैंक यू टिल दैट टाइम आप बजट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा पैसा लाइफ पे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें